सॉरी फॉर द लेट अपडेट, बट अपडेट तो बनता है। मेरा इस व्लॉग के द्वारा थार के बारे में मैं ए टू जेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे थार एंथुजियास्ट को ऑलरेडी पता है, द रेडिएटर इज द लोएस्ट हैंगिंग पोर्शन ऑफ द कार और उस पर बाई डिफॉल्ट कोई प्रोटेक्शन आता ही नहीं। सो एज एक्सपेक्टेड, मेरे ट्रिप्स, एडवेंचर्स और सब मिला के माई रेडिएटर हैड टू टेक ए नाइस लिटिल हिट। सो अगर आप ये रेडिएटर ध्यान से देखें तो यू कैन सी दिस इज द प्लेस जहाँ पे रेडिएटर को थोड़ा सा हिट हुआ था, ठीक है। आई विल टर्न इट ओवर एंड शो इट यू। ये देखो, नाउ यू कैन सी इट प्रॉपरली, दिस इज द प्लेस जहाँ पे रेडिएटर एक्चुअली हिट हुआ था। सो दिस पार्ट ऑफ द फिन गॉट डैमेज्ड, क्योंकि कुछ तो लगा था यार। एंड द थिंग इज दैट सिंस आई हैड जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस, तो टाइमली लकीली आई कुड अंडरस्टैंड कि रेडिएटर पे यहाँ पे लगा था, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गेट इट रिप्लेस्ड। सो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत टच हुआ था यहाँ पे, एंड दिस प्लास्टिक रेडिएटर गार्ड आल्सो टुक सम हिट। सो 5th जुलाई को मेरा गाड़ी सर्विस सेंटर गया एंड वेंट फॉर ए इंश्योरेंस क्लेम। रेडिएटर वाज नॉट अवेलेबल, तो इसीलिए करीबन 15 दिन बाद फाइनली सर्विस सेंटर ने मेरा गाड़ी को डिलीवर किया। वैसे आई गेट माय थार सर्विस्ड एट द एनआर ऑटो सर्विस सेंटर इन कोलकाता एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द अटेंशन टू डिटेल एंड द लेवल ऑफ वंडरफुल सर्विस दैट द गाइज एट एनआर ऑटोस हैव गिवन मी टिल नाउ। बट देन महिंद्रा कम ऑन, एक पार्ट अवेलेबल करने में अगर आप मल्टीपल वीक्स के टाइम लेते हो देन दैट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। इंश्योरेंस के टाइम पे यू कैन नॉट ऑल्सो गेट योर कार एंड वेट फॉर द पार्ट टू अराइव, सो दैट इज ए बिग बिग हैसल फ्रॉम महिंद्रा साइड इटसेल्फ। ऑडियल के बाद मैंने डिसाइड किया महिंद्रा से एक ऑप्शनल एक्सेसरी आता है, विच इज ए माइल्ड स्टील रेडिएटर गार्ड। इट कम्स फॉर अराउंड 5,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और मैं तो कहूंगा ऐसा फेस करने से पहले कंसिडर दिस एज ए मैंडेटरी एक्सेसरी जो कि महिंद्रा शुड हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड एज स्टॉक विद दिस व्हीकल। इसके अलावा आई वेंट फॉर दिस FRP फ्यूल टैंक गार्ड एंड ऑल्सो दिस डोर हिंज साइड स्टेप, बट देन नॉट ऑल एक्सेसरीज आर एज यूजफुल एंड गुड एज दिस रेडिएटर गार्ड। मेरा आने वाला ट्रिप देखना, द ला 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 ट्रिप, मजा आएगा। होपफुली समझ में आ जाएगा आपको थार में क्या क्या कमी है और कैसे क्या होना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग माई फ्रेंड्स। अगर आपको ट्रैवल सीरीज हिंदी, इंग्लिश या बंगाली में देखना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, एक से एक बढ़िया ट्रैवल सीरीज दिया हुआ है। और बहुत ही जल्द मैं पब्लिश करने वाला हूँ द प्लेथोरा ऑफ इमोशंस फ्रॉम माई लास्ट ट्रिप। इट वॉज बोथ द बेस्ट एंड वर्स्ट ट्रिप ऑल इन ए कपल ऑफ वीक्स।